हेलो एवरीवन, सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्यूट सैलिसाइलेट पॉइजनिंग। ठीक है, एक्यूट सैलिसाइलेट पॉइजनिंग में हमारे पास डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि नौशिया होता है, वॉमिटिंग होती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, रीनल फेलियर्स, हीमोलिटिक एनीमिया वगैरह, ना थ्रम हाइपो प्रोथ्रम्बिनीमिया वगैरह, ये सिम्टम्स होते हैं। लेकिन याद जो रखना है ना, मेन जो सिम्टम्स है जिसकी हमने ट्रीटमेंट करनी है ना, एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हैवी ब्लीडिंग याद रखनी है। ठीक है, और हाइपर पायरेक्सिया याद रखना है। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस याद रखना है, हैवी ब्लीडिंग याद रखनी है, हाइपर पायरेक्सिया याद रखना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इसका कोई प्रॉपर कोई एंटीडोट, स्पेसिफिक एंटीडोट है तो नहीं ना। ठीक है, इसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग हॉस्पिटलाइज करते हैं पेशेंट को, फिर ABC करते हैं, एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, फिर आप क्या करते हो, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बराबर करते हो। ठीक है, गैस्ट्रिक लवाज करते हो एक्टिवेटेड चारकोल से। एंड अब देखो देखो, सबसे पहले हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए देना है बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, हैवी ब्लीडिंग के लिए हमने देना है विटामिन के, और पायरेक्सिया के लिए हम लोगों ने देना है कूलिंग, मतलब बॉडी को कूल करना है। ठीक है, और एंड में हीमोडायलिसिस वगैरह भी करनी है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, हॉस्पिटलाइज, ABC, फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, गैस्ट्रिक लेवाज, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए देना बाइकार्बोनेट आयन, हैवी ब्लीडिंग के लिए देना विटामिन के, पायरेक्सिया के लिए देना कूलिंग, एंड हीमोडायलिसिस वगैरह करनी है। दैट्स इट, वी आर डन विद आवर एक्यूट सैलिसाइलेट पॉइजनिंग। थैंक यू।